Welcome students, let's start exercise 14.4 and here is the number 1 for you. The following number of goals was scored by a team in the series of 10 matches. Find the mean, median and mode of these scores. दस मैचों की सीरीज में एक टीम ने ये गोल स्कोर किए हैं, आपको इनका मीन निकालना है, मीडियन निकालना है और मोड निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मीन। मीन निकालने का फार्मूला अनग्रुप डाटा हो तो है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहां पे हम इनका सम कर लेते हैं 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3। कितने ऑब्जर्वेशन हमारे पास 10 मैचेस थे, 10 मैचेस का स्कोर है तो टोटल ऑब्जर्वेशन था 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन सब का सम कर लेते हैं, इट इज 28। 28 by 10, 28 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आ गया 2.8। तो दिस इज द वे यू कैन फाइंड द मीन। आफ्टर मीन वी कम टू मीडियम। डाटा का मीडियम निकालने के लिए हम इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो मोस्टली हम असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करते हैं, तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा डाटा हमारे पास है 0, 1, then 2, then 3, 1 time, 2 time, 3 time. Then 4, it is 2 times and then 5. ये हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के 10 डाटा हमारे कंप्लीट हो गए असेंडिंग ऑर्डर में। अब मीडियन निकालने के लिए हमें देखना पड़ता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है या ओड है। अगर हमारे पास इवन है तो इसका अलग तरीका है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है तो अलग तरीका है। तो इस सम में क्योंकि इवन है तो मैं आपको इवन वाला तरीका बताऊंगा। हियर एन इक्वल्स टू 10, एन मींस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन व्हिच इज इवन। इवन हो तो मीडियन का तरीका बनेगा मीन ऑफ n by 2 add n by 2 plus 1th term. The mean of n by 2, n mean 10, 10 by 2 add 10 by 2 plus 1th term. That means mean of 5th, 10 by 2 का मतलब 5th and 10 by 2 plus 1, 5th से अगली थी। n by 2 मतलब 5th और उससे अगली टर्म 6th टर्म। अब हम देखते हैं 5th टर्म हमारी क्या है असेंडिंग ऑर्डर में। 1 2 3 4 5 ये हमारी 5th टर्म है, ये हमारी 6th टर्म है। तो ये 5th टर्म और ये 6th टर्म, ये दो टर्म्स हैं। तो दो टर्म्स का मीन निकालेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि टर्म्स दो हैं तो दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो 3 + 3 = 6/2, तो आंसर हमारा हो गया 3। तो मीडियन इज 3। नाउ मोड। सारी ऑब्जर्वेशन को आप चेक करिए और देखें कौन सा डाटा सबसे ज्यादा बार आया है। तो हम देखते हैं 3 1 बार 3 2 बार 3 3 बार 3 4 बार 3 सबसे ज्यादा 4 बार आया है, इसलिए हम लिखेंगे 3 अकर्स मैक्सिमम 4 टाइम्स। सबसे ज्यादा बार 3 आया इसलिए मोड इज 3। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो वही मोड होता है, तो मोड इज 3।
Let's do some number 2. In a mathematics test given to 15 students, the following marks are recorded. Find mean, median and mode of this data. तो सबसे पहले हम निकालते हैं mean. वही तरीका, ये ungrouped data है. जो data बिखरा पड़ा है उसको हम ungrouped data कहते हैं, और इसका हमें निकालना है mean. तो mean का formula मैंने आपको बताया, sum of observations divided by number of observations. मीन का सिंबल होता है एक्स वर्ग, ये मीन का सिंबल है. इन सब डाटा का हम ऐड करते हैं, 41 प्लस 39 प्लस 48, इन सब का आपको टोटल करना है. तो मैं इसका रफली टोटल कर लूंगा, आपको इन सारे डाटा का टोटल करना है. तो ये टोटल हमारा बनेगा 822 डिवाइडेड बाय 15. 822 को हम 15 से डिवाइड करेंगे, 15 फाइव 75, कैरी ऑन 72, 15 फोर जै 60, 15 एट 120, इट विल बी 54.8. द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 54.8. नाउ वी फाइंड द मीडियन. मैंने आपको बताया था मीडियन के लिए डाटा को पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है. तो सबसे पहले हम डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. तो ये मैंने सारे डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है. आपको बताया था मीडियन निकालते टाइम हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को चेक करते हैं. अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो तो उसका तरीका आपको पिछले समय करवाया था. अब इस समय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड है, तो अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड हो तो मीडियन निकालने का तरीका अब आप देखें. Here n equal to 15, which is odd. पिछले समय n even था तो उसका तरीका हमने कर लिया था, अब odd है तो इसका तरीका क्या बनेगा देखिए. Therefore median equals to n plus 1 by 2. चलो तो 15 plus 1 by 2 term. 15 plus 1, 16 by 2 means 8 term. इसका मतलब median हमारा 8वीं term होएगा. First term, second term, third term, fourth, fifth, sixth, seventh and eighth. The median is 52. So this is the way you will find the median if number of observations are odd. Now we find the mode. तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में डाटा लगा रखा था, इसी की हम हेल्प ले लेते हैं. मैंने आपको बताया था जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही मोड है, मतलब जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो हमारे लिए मोड कहलाएगा. तो आप देखो 52 सबसे ज्यादा 3 बार आया है, इसके बाद थोड़ा डाटा और भी था, 54, 60, 96, 98, ये डाटा और था हमारे पास, ये था असेंडिंग ऑर्डर. तो अब हम देखते हैं 42 टाइम्स आए, 52 3 टाइम्स आए, बाकी सारे डाटा एक एक बार आए. तो सबसे ज्यादा बार 52 आया है, तो 52 अकर्स मैक्सिमम 3 टाइम्स. देयरफॉर मोड इज 52. जो सबसे ज्यादा बार आया है वही हमारे लिए मोड है. दिस इज द वे यू विल डू सम नंबर 2. लेट्स डू सम नंबर 3. द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर. इफ द मीडियन ऑफ डाटा इज 63, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ये हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो असेंडिंग ऑर्डर में लगी हुई हैं, इनका मीडियन 63 दे रखा है, आपको x की वैल्यू निकालनी है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कितनी ऑब्जर्वेशन है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो हियर n इज 10, विच इज इवन. अगर इवन ऑब्जर्वेशन है तो मीडियन निकालने का तरीका हमारे पास था मीन ऑफ
n by 2 and n by 2 plus 1 term. That means mean of 10 by 2 and 10 by 2 plus 1 term. That means mean of 10 by 2 means 5th और उससे अगली 6th, ये तो होगी 5th और ये उससे अगली term 5th and 6th term. मीडियम की वैल्यू हमारे को दे रखी है 63. फिफ्थ टर्म 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारे लिए फिफ्थ टर्म है और ये हमारे लिए सिक्स्थ टर्म है. इन दो टर्म्स का मीन निकालेंगे तो दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये दो टर्म्स हैं. अगर दो टर्म्स का मीन निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय 2, ये इनका मीन निकलेगा. तो ये हो गया हमारे पास 126 63 2 126 = 2x + 2. तो 126 - 2 = 2x, ये 2 इधर से इधर चला गया. तो 124 = 2x, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, 124/2 = x, तो दैट इज 62. तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 62. तो दिस इज द आंसर. लेट्स डू सम नंबर 5. Find the mean salary of 60 workers of a factory from the following table. अब आपको ये ग्रुप डाटा दिया हुआ है. 3000 सैलरी लेने वाले 16 वर्कर्स हैं. 4000 सैलरी लेने वाले 12 वर्कर्स हैं. इसी तरह से 60 वर्कर्स की सैलरी का डाटा आपको दे रखा है. इसका हमें मीन निकालना है. तो इसका मीन निकालने के लिए हम एक टेबल तैयार करेंगे. देखिए आप, सबसे पहला कॉलम बनाते हैं सैलरी, जिसको हम लिखेंगे एक्स आई. फिर नया कॉलम नंबर ऑफ वर्कर्स, इसको हम लिखेंगे एफ आई. नेक्स्ट कॉलम एफ आई एक्स आई. तो ये हमारा कॉलम तैयार हो गया. ये हमारे को क्लास मार्क का काम करता है एक्स आई. नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज का हम लिखते हैं एफ आई. इन दोनों की मल्टीप्लाई को हमने लिखा है एफ आई एक्स आई. इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स आई को एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट विल बी 48 थाउजेंड. 48,000, 7 6 42,000, 32,000, 9 3 27,000, 10,000. अब हम इनका सम करते हैं. इनके सम को लिखते हैं सिग्मा एफ आई. सिग्मा का मतलब सम, ये सिग्मा का सिंबल है. सिग्मा एफ आई, सिग्मा मीन समेशन, इन सबका सम 16 + 12 + 10 + 8. तो ये हमें दे रखा था 60. अब इनका सम करते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई. इन सबका सम हम करते हैं, ये बन गया हमारे पास 3,05,000. अब मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई. दैट मीन्स 3,05,000 डिवाइडेड बाई 60. ये 3 पे 12 लग गए, आप 0.33 भी लिख सकते हो. तो मीन सैलरी ऑफ द वर्कर्स विल बी 5,083.33. This will be the answer.
तो ये तरीका है जब आपको ग्रुप डाटा का मीन निकालना होगा। फार्मूला बनेगा मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। एफ का मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, एक्स का मतलब आमतौर पर क्लास नाम से लेते हैं। इन दोनों के प्रोडक्ट को हमने एफ आई एक्स आई लिखा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स डू सम नंबर सिक्स। Give one example of a situation in which the mean is an appropriate measure of central tendency. And then, mean is not an appropriate measure of central tendency, but median is an appropriate measure of central tendency. देखो, हमारे पास central tendency को measure करने के three means हैं: mean, median and mode. ये तीन central टेंडेंसी को मापने के तरीके हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तीन है, मीन, मीडियन और मोड। फर्स्ट में हमें एक ऐसा एग्जांपल देना है जिसमें मीन एप्रोप्रिएट मेजर हो। तो हम लिखेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए मीन इज एन एप्रोप्रिएट मेजर। जब डाटा एक दूसरे के करीब करीब हो, डाटा में बहुत ज्यादा गैप ना हो, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के लिए मीन बेटर रहता है। तो मीन तब काम करेगा अच्छा जब डाटा के बीच की दूरियां बहुत ज्यादा ना हो, पास पास हो। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल marks of 5 students are 50, 51, 52, 55 and 57. अगर इसमें हमें measure of central tendency निकालना है तो इसके लिए mean सही रहेगा, क्योंकि data पास पास है, इनमें बहुत ज़्यादा gap नहीं है। तो इसका mean कितना निकलेगा हमारे पास, 50 + 51 + 52 + 55 + 57 / 5। इसका मीन निकल गया 53। तो 53 आप देखो इन सभी डाटा के बिल्कुल पास ही है, 50 से भी ज़्यादा दूर नहीं है, 57 से भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो जब डाटा बहुत दूर दूर ना हो, उनका गैप ज्यादा दूर ना हो, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के लिए मीन एप्रोप्रिएट मेजर होगा। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। मीन इज नॉट एन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी व्हेन ऑल द लिमिट्स ऑफ द डाटा आर नॉट क्लोज टू ईच अदर। जब डाटा एक दूसरे के बहुत पास नहीं होते तो मीन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं होता। उस केस में मीडियन विल बी द एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो 5 बच्चों के मार्क्स हैं, मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स आर 50, 51, 54, 55 and then 200। मार्क्स की जगह हम लोग रन लिख लेते हैं, रन स्कोर बाय 5 प्लेयर्स। 5 प्लेयर्स के रन्स ये बने, तो सबसे पहले हम इनका मीन निकालते हैं। इनका मीन हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस
divided by number of observations. It is 82. इनका अगर हम मीन निकालते हैं तो वो है 82. अब हम इनका मीडियन निकालते हैं. मीडियन मीडियन निकालने के लिए n is 5, which is even. Therefore, median equals to 5 plus 1 by 2. Stop. Third term. Data हमारे को पहले ascending order में लगाना पड़ेगा, पर ये ascending order में ही लगे हुए. Ascending order है. तो first, second, third. तो median हमारा हो गया 54. ध्यान रहे हैं. मीडियन निकालने से पहले डाटा असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में जरूर होना चाहिए. ये असेंडिंग ऑर्डर ही है इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया. तो थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारी 54. तो 54 विल बी द मीडियन. अब आप देखो, अगर हम मीन से इसको चेक करते हैं तो मीन 82 है. ये बैट्समैन, ये प्लेयर, ये प्लेयर, ये सब 82 से दूर है, ये भी 82 से दूर है, ठीक है. जबकि अगर हम मीडियम से कंपेयर करते हैं 54 से, तो ये चार खिलाड़ी हैं वो 54 के पास हैं. तो आप देखते हो इस केस में जब डाटा एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज नहीं है, क्योंकि ये डाटा और इस डाटा में बहुत फर्क आ गया है, तो ऐसे केस में मीडियम विल बी एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. तो हम क्या कह सकते हैं, जब डाटा एक दूसरे के क्लोज हो तो मीन विल बी द एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और जब डाटा के बीच की दूरी ज्यादा हो तो मीडियन विल बी एन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. थैंक यू.